हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इजी रेसिपी। ये एक ही बर्तन में बन जाएगी, ज़्यादा झंझट नहीं करने हैं हमको। और ये देखिए फटाफट से बन जाने वाली छोला पुलाव रेसिपी। हम छोले की सब्जी खा के बोर हो गए होंगे या फिर और भी तरीके से छोले को खा के बोर हो गए होंगे, आप आज बनाएंगे यूनिक तरीके से छोला पुलाव रेसिपी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें एक कुकर, बस इसी कुकर में ही हम सारा खाना बना देंगे। इसमें देखिए तेल डाल लेंगे हम, 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल है ये, जैसे हमारा दाल वाला चमचा जो होता है वो 1 चमचा। और इसमें ले लेंगे हम 2 प्याज और 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च हैं, ये बीच से कट लगी हुई हैं। और ये है अदरक, इसको मैंने घिस के रखा। ये कुछ खड़े मसाले हैं, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी वगैरह। अब हम इस कुकर में डाल देंगे हम जीरा, 1 बड़ा चम्मच भर के जीरा डालना है, क्योंकि ये पुलाव बन रहा है तो जीरा तो डलेगा ही डलेगा 1 बड़ी चम्मच भर के। और ये कुछ साबुत मसाले हैं वो हम डाल देंगे, ये इससे अच्छी खुशबू होगी हमारी, ये ज़रूर डालिएगा गाइस। जो भी आपके पास मसाले हों वो डाल लीजिएगा। और ये हमने डाल दिया इसमें तेज पत्ता, ये देखिए थोड़ी सी समय महक हो गई अच्छी सी। अब हम डाल देंगे इसमें प्याज, ये 2 बड़े प्याज हैं, अगर आपके पास छोटे हों तो 3 डाल सकते हैं। प्याज हल्की सुनहरी हो गई है, अब हम इसमें टमाटर, मिर्ची, अदरक वगैरह सभी चीज़ डाल देंगे। और टमाटर और प्याज को जल्दी भूनना हो तो इसमें 1 चुटकी सा नमक डाल दें, तो बहुत जल्दी ये भुन जाता है हमारा टमाटर प्याज। ये देखिए अच्छे से गल गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया। अब हम इसमें हल्दी, मिर्ची और गरम मसाला और धनिया डाल देंगे, ये स्वाद अपने अनुसार डालें आप इसमें मिर्ची और गरम मसाले का, क्योंकि कुछ खड़े मसाले भी डाले हमने, नमक डाल दिया। अब हम इसमें छोला मसाला और बिरयानी मसाला डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही डालें स्वाद के अनुसार, क्योंकि हमारे कुछ खड़े मसाले डले हुए हैं। ऑयल देखिए ऊपर आ गया, सारे मसाले हमारे भुन चुके हैं। और अब हम डाल देंगे इसमें चने, ये देखिए ये हमारे छोले हैं और ये हमने रात को भिगो के रख दिए थे, ये सारे डाल देंगे। ये देखिए 1 कटोरी मैंने कच्चे थे जब मैंने भिगो के रखे थे, अब ये फूल करके इतने हो गए हैं। और ये देखिए बिल्कुल बिना झंझट के हम फटाफट से ये पुलाव बनाएंगे, और हम इसी बर्तन में ही इसको उबालेंगे। 5 मिनट तक हम इसको भून देंगे, देखिए कच्चे चने हम भून दिए हैं इसी में। अब हम डाल देंगे पानी, पानी हमें इतना डालना है कि छोले डूब जाएँ, क्योंकि हमें चावल की मात्रा भी लेनी है तो पानी उसी अनुसार लिया जाएगा। तो ये पानी हम इतना ही लेंगे कि छोले हमारे डूब जाएं और इसमें उबल जाएं। 4 से 5 सीटी हम उबालेंगे, मतलब कि 20 से 25 मिनट बस उबालना है इनको। ये देखिए अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे छोले उबल गए हैं कि नहीं, अच्छे से गल गए हैं कि नहीं। ये देखिए हमने देखिए चम्मच से इसको दबाया, बहुत ही आराम से प्रेस हो रहा है। ये देखिए इसी तरह से आप भी अपना छोला चेक कर सकते हैं। और देखिए इसमें ग्रेवी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, इसमें है नहीं, बहुत ही थोड़ी है, 1/2 कटोरी करीबन होगी बस, इसमें ज़्यादा है नहीं। और अब हम डालेंगे इसमें चावल, चावल मेरी 2 कटोरी हैं और 2 कटोरी चावल हैं तो 3 कटोरी पानी हम लेंगे, क्योंकि 1 कटोरी चावल पर हम 1.5 कटोरी पानी लेते हैं पुलाव में, क्योंकि पुलाव में थोड़े खिले खिले से चावल दिखने चाहिए, तो हम उतना ही पानी लेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा 1-2 मिनट के आसपास इसको भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम, चावल डाले हैं तो नमक डालेंगे, और थोड़ा 1 चुटकी गरम मसाला, धनिया वगैरह, ये सारा सामान हम इसमें डाल देंगे। अब हम पानी डाल देंगे इसमें 3 कटोरी। ये देखिए उसमें ग्रेवी थी नहीं हमारी, बहुत नाके बराबर बची थी। छोले में अगर पानी है थोड़ा बहुत तो पानी इस टाइम कम डालिएगा। और ये देखिए हमने अच्छे से देखिए सब चीज़ डल गई हैं, और हम इसको 1 सीटी आने तक इसको हम केवल उबालेंगे। ये देखिए क्योंकि चावल है, अब छोला तो हमारा उबल चुका है, 1 सीटी बस लगी है और हमने गैस उसी में छोड़ दी थी। अब ये अपने आप जब पूरी गैस निकल गई है तब हमने इसको खोला है, और ये देखिए गाइस कितने खिले खिले हमारे चावल बने हैं, और ये हमारा छोला पुलाव बनके तैयार हो गया है। सो गाइस आपने बहुत तरह के पुलाव खाए होंगे, एक बार आप छोला पुलाव ज़रूर आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बच्चों बड़ों सभी को खिलाइएगा, घर में बनाइएगा, सभी को बहुत पसंद आने वाला है। और ये देखिए मैंने इसको रायते और सलाद के साथ इसको सर्व कर लिया, अचार और चटनी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा गाइज। सो गाइज जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये देखिए हमारे छोला पुलाव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।